नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ आलोक। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और अब सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ की गणित बैठाई जा रही है। बीजेपी बहुमत के पास है लेकिन उसके पास पूरा बहुमत नहीं है और ऐसे में एकमात्र सहारा जेडीएस है। कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी भी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का फायदा जेडीएस को मिलता नजर आ रहा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जब दो एमएलए में सरकार बना सकते हैं तो फिर कर्नाटक में वो तो बहुमत के करीब है। ऐसे में अब उनकी अगली चाल क्या होगी, देखना दिलचस्प होगा। तो सियासी हलचलें तेज हैं, अब सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ की गणित बिठाई जा रही है और इसमें बीजेपी कांग्रेस और जेडीएस में मंथन चल रहा है। तो फिलहाल अब किस ओर इशारा मिल रहा है ये हम आए हुए मेहमानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुमत मिलने के बाद कौन सी बड़ी पार्टी आखिर दावा पेश करेगी और किसको मौका मिलेगा। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं तो सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हरीश चंद श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। अरुण प्रकाश सिंह हैं कांग्रेस से, अरुण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान जी हैं समाजवादी पार्टी से, अजीज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल जी हमारे साथ हैं, रतन मणि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सवालों और जवाबों के सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं सबसे पहले मेरा सवाल तो बीजेपी से बनता है, हरीश जी से। हरीश जी, जिस जोड़ तोड़ को लेकर के जो चल रहा है फिलहाल, मैं आपसे ज़रा इस वक्त जानने और समझने की कोशिश करूँगा कि मंथन चल क्या रहा है अंदर खाने में इस वक्त। देखिए आलोक जी, कांग्रेस की कर्नाटक में भारी पराजय हुई है। कांग्रेस वहाँ सत्ता दल था और 73 सीटें कांग्रेस को मिली हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली हैं। इस लिहाज से आप देखिए तो कायदे की बात तो यह है कि कांग्रेस को त्यागपत्र दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए जी। नहीं सर, हरीश जी, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाने में जो जल्दबाजी दिखाई, चाहे वो अरुणाचल हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कर्नाटक में फिलहाल भी ऐसी जल्दबाजी दिखेगी क्या? देखिए, हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना दावा प्रस्तुत किया है और अब यह महामहिम राज्यपाल के ऊपर है कि वो किसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, ये उनके निर्णय पर है। और जहाँ तक संवैधानिक स्थिति की बात है, अगर कांग्रेस का प्री पोल अलायंस होता जेडीएस के साथ तो उनका जो दावा था वो टेक्निकली अपनी जगह पे सही होता। चलिए, प्री पोल अलायंस जेडीएस के साथ उनका नहीं है जी। और वो उनकी सरकार थी और उनकी सरकार हारी है तो इसलिए पहला हक तो भारतीय जनता पार्टी का बनता है कि महामहिम राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित। नहीं, ये तो खैर अब राज्यपाल का एक विशेषाधिकार है कि फिलहाल किसको आमंत्रण करते हैं, लेकिन मैं अब अरुण प्रकाश जी से आ रहा हूँ। अरुण जी, प्री पोल जो अगर बात करें कि अगर आप गठबंधन करते शायद तो अब अफसोस हो रहा है क्या कहीं ऐसा? नहीं आलोक जी, हमें कोई अफसोस नहीं है और कहीं ना कहीं हमारी और जेडीएस की विचारधारा जो है, आप पिछले वर्ष समय से देखें कि हमारा जो मुख्य ध्येय है, उद्देश्य है कि जो धर्मांधतावादी की सरकारें हैं, अतिवादी और आतंकवादी और अलगाववादियों से मिली हुई जो सरकार दिल्ली में राजी कर रही है, इसको रोकने का हमारा वो है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैं मानता हूँ कि कमल कीचड़ में खिलता है और भ्रष्टाचार रूपी कमल खिलाने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने धन जल और बल के सहारे, तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की क्या? नहीं, पूरा धन जन बल के सहारे हमने कहते हैं आप कांग्रेस, अरे बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की।
लेकिन कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दीजिए कि कर्नाटक की जनता ने ऐन समय पे इनको रोका है, एकदम किनारे ले जा करके, मंजिल के बहुत किनारे ले जा करके, जैसे कि थाली परसी हो और थाली खाने को न मिल रही हो। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा धार्मिक उससे कहना चाहता हूँ, एक धार्मिक पार्टी है, हिंदुओं की बात बहुत करती है, देवी देवताओं की बात बहुत करती है, इसलिए आज के दिन ये बात करना बहुत जरूरी लग रहा है। आज मंगलवार का दिन है, कर्नाटक हनुमान जी की जन्मभूमि है, और आज शनिदेव का भी दिन है, शनि जयंती है आज, तो आज भारतीय जनता पार्टी शनिदेव को हम कहीं न्याय का देवता मानते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 96 और 98 से धोखा देने का काम भगवान राम को त्रिपाल के नीचे अयोध्या में दिया था, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हनुमान जी ने कर्नाटक में अपने जन्मभूमि में इनको अपने पूछ में लपेट के रखा। चलिए अच्छा है कि अरुण जी, आप लोग जो वोट का जो प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ा है कहीं ना कहीं कांग्रेस का, उससे भी संतुष्ट है, भले ही सीटें चाहे भले ही कम हुई है। क्यों अरुण जी? नहीं, हम हमारी आप देखिए, ये भी अभी, एक अच्छी बात है कि आप कम सीटों में संतोष कर रहे हैं। नहीं, हम सीटों में अभी हमारे भाई हरीश जी कह रहे थे, हमारा ग्राफिक्स जरा अगर आप अपने चैनल पे दिखा देते, हमारी 73 सीट बता रहे थे, हमारे ख्याल से हम 78 सीटें जीते हैं। तो देखिए, अब बीजेपी कितना भी अगर ये सोच ले कि झूठ, अब तो सारी चीजें सामने है, परिणाम देखिए, हम इनसे करीब 0.3% जो मतदान है जी, उस मतदान में भी इनसे 3% आगे, इनके 3% आगे, हनुमान जी के शरण में सदैव है, ये बीजेपी इफेक्ट है कि ये हम ये सारे देव सदैव अगर हरीश चंद जी से लोग हरीश चंद जी से देखिए, मैं एक बात जिस जोर तोर की राजनीति उसने शुरू किया है, जिसका आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती थी, तो कांग्रेस तो इसकी जनक रही है। कांग्रेस की मजबूरी भी तो हो सकती है ना कि अब जेडीएस का जल्दी, हाँ जी, पिछले 4 वर्षों का आपने जिक्र किया कि 2 सीट पाई भी, वहां भी छटपटाहट। आप देखिए कि मैं तो बीजेपी का चरित्र देख रहा हूँ, 1937 से लेकर 1943 में जब बीजेपी शुरू होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे, वो मुस्लिम लीग के तलवे चाट करके, मुस्लिम लीग का पैर पकड़ कर, फैजुल हक का पैर पकड़ करके, सोहरावर्दी का पैर पकड़ करके उसमें शामिल होते हैं। उसी प्रकार से आज 2018 के अंदर फिलहाल यही है कि आप लोगों की सीटें कम हैं, चुनाव आप लोग कहीं ना कहीं हार गए, अब हार से क्या सबक लिया है, सत्ता में शेयर करते हैं कश्मीर में, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिखाई पड़ रहा है। चलिए मैं अब अजीत जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है वो देश देख रहा है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, मैं डॉक्टर अजीत के पास आ रहा हूँ। अजीत जी देखिए, आप लोगों का गठबंधन जो था यूपी में था, लेकिन ठीक है चलिए जी नहीं, अभी लड़ेंगे नहीं, अभी तो कांग्रेस दोस्ती कर रही है, अभी तो जेडीएस के साथ अभी कांग्रेस लड़ने की बात नहीं कर रही है। मैं अजीत जी आपके पास आ रहा हूँ, आप जरा मुझे ये बताइए कि आपके भाई गठबंधन वाले यहां भी डिबेट में भी आपके साथ बैठे हैं, आइए गठबंधन, आप लोग प्रचार के लिए वहां नहीं गए, वहां साथ नहीं दिया आप लोगों ने, बहन जी से डर लग रहा था क्या? देखिए ऐसा है आलोक भाई, कि आपका कहना भी जायज है और वो उस पर भी बात मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथी अरुण भाई बैठे हैं यहां पे, मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर बड़ा वोट परसेंटेज जो शेयर है इनका, ये 38% शेयर इनका वोट है, और बीजेपी का वोट परसेंट मेरे ख्याल से 36% है, आपके पास आंकड़ा होगा, 2% शेयर जो है इनका ज्यादा है, सीटें कम आई, मैं उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करूंगा कि सीटें कम ज्यादा वे बात का इशू है, नहीं स्टडी है मेरे पास, रिकॉर्ड है, मैं बताऊं, मेरे बात बताऊं, 38% लोग जी को पता होगा, 36.6 से बीजेपी का और कांग्रेस का 38 है, कांग्रेस का वोट प्रतिशत कांग्रेस का ज्यादा, ये ग्राफिक्स भी चल रहा है, जनता दल का है आपका 17.7 को 73 ही करे दे रहे हैं, और सीटें हटा, ठीक है, 78 सीटें हैं और 38 जेडीएस की है, ये मोटा मोटा मामला, सवाल इस बात का है कि परसेंटेज इनकी वोट परसेंटेज ज्यादा है, ये मुबारकबाद के मुस्तहक है। दूसरी बात, जो हालात रहे आलोक जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बीजेपी ने धन बल तन बल मन बल सारा कुल कर्म कर दिया, पूरे कैबिनेट को ले जा करके वहां कर्नाटक में उतार दिया, और वहां जो नंगा नाच किया है, जिस तरीके से वहां पे हर तरीके का जो भी धार्मिक मुद्दा हो सकता था, जितनी कट्टरपंथी बातें हो सकती थी, हमारे यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय वो भी गए कर्नाटक, उन्होंने तो राष्ट्रवादी बनाम वहां पे उन्होंने जिहादी का नाम चला दिया,
सवाल इस बात का है कि वहां तमाम नेताओं ने जिस तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश की, आज वहां की जनता ने उस कोशिश को नकार दिया। सबसे बड़ी बात है कि आज इस गठबंधन को, जो विचारधारा से मेलजोल खा रहे हैं, इस गठबंधन को बड़े रूप में उभारा। लेकिन अब सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि बीजेपी जो पहले जो दोहरा चुकी है, लोकतंत्र की जो हत्या कर चुकी है पहले, उसने गोवा में और मणिपुर में पहले ऑलरेडी किया है। जी चलिए, ये बात हम बता चुके हैं। चलिए, मुझे लग रहा है कि डॉक्टर अजीज जी बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से बोल रहे हैं क्या? चलिए, मेरा सवाल नहीं, हमने आपकी पार्टी से समर्थन को लेकर के पूछा, हमने पूछा आप लोग चुनाव प्रचार के, आप लोग चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए वहां पर, है ना? क्या बेंच से डर लगता है? हाँ बताइए, उस सवाल का जवाब दीजिए। हम अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, और सवाल इस बात का, जब हम लोग अलग लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तो हम एक दूसरे का प्रचार कैसे करेंगे? हम अगर इनके सहयोगी दल होते तो हम ये गठबंधन तो समझ में नहीं आता, कभी मिल जाते विधानसभा चुनाव, जाबी राजनीति है, ये आदमी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग हालात है, अलग अलग तरीके से हम लोग चुनाव लड़ते हैं। जी चलिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तभी आप लोग विपक्ष को भी कहने का मौका देते हैं कि कई नेताजी ने जब कहा कि उनको ये गठबंधन शुरू से ही पसंद नहीं था, तभी ये सवाल भी उठते हैं। खैर, मेरा सवाल अब ये है, अब मैं वरिष्ठ पत्रकार रतनमणि जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि रतनमणि जी आपने राजनीतिक दलों की बात सुन ली, अब मैं आपसे एक बहुत फैक्टपूर्ण सवाल करना चाहूंगा कि राज्यपाल के पास अब क्या परिस्थितियां, क्या हालात हैं? सबसे बड़े दल को वो बुलाएंगे या फिर सबसे बड़े गठबंधन को? देखिए, चूंकि इस तरह के गठबंधन की पहले से कोई घोषणा नहीं थी, और चुनाव जब घोषित हुआ था उस समय भी दोनों दलों में किसी ने भी इस तरह के गठबंधन का कोई ऐसा कोई इंडिकेशन या संकेत नहीं दिया था, तो राज्यपाल के पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ये गठबंधन पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ये गठबंधन रिजल्ट के बाद बना है, यानी कि इसको आप पोस्ट पोल कह सकते हैं, जिसके बारे में दोनों दलों को ये अधिकार है कि वो राज्यपाल को ये लिख के दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कानून का और संविधान का सवाल है, राज्यपाल को नियमों के अनुसार पहले सबसे बड़ी पार्टी को ही बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद राज्यपाल को खुद संतुष्ट होना पड़ेगा कि क्या जो सबसे बड़ी पार्टी है वो सरकार बनाने की स्थिति में है या नहीं। क्योंकि इस बारे में मैं समझता हूँ कानून भी स्पष्ट है, और पिछले इतने सालों में तमाम सारे राज्यों में जो उदाहरण हमने देखे हैं, उत्तर प्रदेश समेत। लेकिन इस बार सर जेडीएस और कांग्रेस ने भी बड़ी जल्दबाजी दिखाई, जैसे कि गोवा का उदाहरण दाओ, कि जल्दबाजी में उन्होंने सरकार बनाने का प्रस्ताव रख दिया। वही मैं कह रहा हूँ, इस तरह के तमाम उदाहरण इसके सामने हैं, और अंततः देखिए राज्यपाल को अपने विवेक से ही निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वो संविधान के अनुसार हो या वो अपना विवेक हो। कोई भी ऐसी चीज वो जानबूझ के नहीं कर सकते जो असंवैधानिक हो, जिसे बाद में अदालत में चुनौती दी जा सके। तो मुझे लगता है कि अभी राज्यपाल इन सब जो दावे होंगे, हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी अपना दावा पेश करे, गवर्नर उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। उसके बाद अगर जेडीएस और कांग्रेस की ओर से एक संयुक्त चिट्ठी आती है जिसमें दोनों दलों के समर्थन की चिट्ठी हो, तो राज्यपाल उसको भी एग्जामिन कर सकते हैं। कहीं राज्यपाल के बारे में पाले में है। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए अरुण जी, अब इस बार तो अब आप लोगों ने भी जल्दबाजी दिखाई है। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हमने मतलब पहल की है, शुरुआत तो कर दी आप लोगों ने। जब हम गोवा से सबक ले लिया कम से कम। हाँ, निश्चित रूप से राजनीति में कूटनीति के हिसाब से ही, और ये सारे चीजें प्रक्रिया पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया है हमें। देखिए किस तरीके से, अगर बड़े दल की बात थी तो गोवा में आदरणीय रतनमणि लाल जी जब ये बात कहते हैं तो इन्हें यह भी कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चाल चेहरा चरित्र खोया था वहाँ पे। अगर इतनी ही संवैधानिक इज्जत की बात थी, इतनी ही संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन की बात नहीं थी, तो जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार गिराई थी, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने बाकायदे करारा तमाचा दिया था मोदी जी के चेहरे पे, और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद फिर जब गिराने की कोशिश की तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने करारा तमाचा मोदी जी के चेहरे पे दिया। उत्तराखंड का उदाहरण दिया आप लोगों के मन में करारा तमाचा नहीं था? उत्तराखंड के ही के बात जो जो सीडी जो वायरल हुआ था विधायकों की खरीद पर उत्तर के रावत साहब, अरुणाचल किसी से नहीं छुपा का, अब रावत अरुणाचल में सरकार बहाल की गई। देखिए जिस तरीके से, जैसा अगर आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम खाने को नहीं मिलता है। देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी लोगों से कहती थी कि हम सभी लोगों से अलग पार्टी हैं, हमारा चाल अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हमारा चरित्र अलग है। आखिरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के जाने के बाद
ऐसे कौन से संस्कारी पुरुष आ गए भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र मर्यादाओं का हनन कर दिया। चलिए अरुण जी, एक सवाल आप ही से। आपने कहा बीजेपी कहती थी, सवाल ये कि बीजेपी कुछ तो कहती थी, राहुल गांधी तो वहां पर जाते थे, कोई उनका अपना विजन ही नजर नहीं आता था। किस विजन की आप चर्चा करना चाहते हैं? आप राहुल जी के किस विजन की चर्चा करना चाहते हैं? मैं एकदम साफ कहना चाहता हूं, अगर पत्र मैं क्यों नहीं नीरव मोदी का सवाल पूछा? कोई सवाल नहीं उठाते थे, सिर्फ अपना विजन उन्होंने क्या बताया? अगर मोदी जी के लोग रावण बाडरा से लेकर के 2G से लेकर चर्चा शुरू करते हैं, आपके पेट में इतने तेजी से दर्द क्यों होने लगता है? नहीं एकदम दर्द लगता है, नहीं आलोक जी मुझे दर्द लगता है, और सिर्फ मोदी नजर कभी भी राहुल गांधी गए हो, उन्होंने बताया हो, कभी भी बात की हो, अपना विजन नजर नहीं आता कभी भी। चलिए अब चलिए, मैं गलत हो सकता हूँ, आप जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं, आप जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ जहाँ पर राहुल गांधी नहीं जाते हैं, सिर्फ और इतने भाषणों में सिर्फ मोदी की बात करते हैं। कर्नाटक की आप जिस कर्नाटक की बात कर रहे हैं, 3 साल से लगातार सूखे की मार से कर्नाटक का किसान झेल रहा था। ये मोदी जी को चाहिए था कि कर्नाटक के किसानों से कहते प्यार दिखाते, कुछ ना कुछ ऐड देते, सारे कहता है भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने हमारे जो पैसे हक बन रहे थे वो भी कर्नाटक का रोका, और हमें आखिरी में आकर के हमें 8,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ करना पड़ा, जो एक बड़ा कहता है बजट कहता है विकास का रुका, और 8,000 करोड़ रुपया हमने किसी से संसाधन न योगी जी जैसा चिल्लाए और न उसकी चर्चा की हमने, लेकिन कर्नाटक के किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या हो गई। लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस तरीके की भी तो मांग सामने नहीं आई। चलिए अब मैं निष्पक्ष रूप से बात करूंगा। चलिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं रतन सर के पास आ रहा हूं। रतन जी, जैसा कि राहुल गांधी के भाषणों को लेकर के बात की, कभी उनका कोई अपना विजन नहीं नजर आया, और जो किसानों के हितों की बात करें तो कभी मुख्यमंत्री जी बात रखते, कभी भी उठाते सदन में, कभी भी कर्नाटक के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, कभी भी उनको सामने कभी भी नहीं। आप आदरणीय मोदी जी के सारे संस्कार, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी खिलजी की बात करते हैं, मोदी जी औरंगजेब की बात करते हैं, मोदी जी मृतक आत्माओं के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोदी जी कैराना के अंदर ये कह रहे हैं कि साहेब, और पूरे गुजरात में कहते रहे मोदी जी, नहीं सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ये कहते रहे कि साहेब अगर गुजरात का चुनाव हार जाएंगे तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, पाकिस्तान में मिठाई बटेगी। आखिरकार कहां से चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी? विकास का साथ आप लोग गुजरात का उदाहरण दिया, क्या किया गुजरात में आप लोगों ने? राहुल गांधी ने कौन सा बयान दिया था वहां पर? विकास पागल हो गया, उसी का परिणाम भुगतना पड़ा आप लोगों को वहां पर। चलिए नहीं ठीक है, पूरा चुनाव विकास पे लड़ा, लेकिन बाद में विकास पागल हो गया ये बयान दिया था। चलिए हाँ हरीश जी, ठीक है, हो गया उसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया। चलिए हाँ हरीश जी, कांग्रेस तो इतनी व्यग्र थी कि चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान के राजनयिक को बिना बताए दावत पे बुला लिया, माफी मांगा, और और राजनयिक को दावत पे बुला लिया, और पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए। एक-एक करके सवाल लीजिए, यहाँ पर ये सदन मत बनाइए, यहाँ पर यही काम सदन में कांग्रेस करती है। किसी मुझे यहाँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए, एक एक को मौका दीजिए। सत्ता काल में सिवाय षड्यंत्रों की राजनीति करने के अलावा कांग्रेस किस मुंह से चार चेहरा की बात करती है? कांग्रेस ने पूरे सत्ता शासन काल में सिवाय षड्यंत्र की राजनीति करने के अलावा अगर कांग्रेस ने कुछ किया हो, और भारत का एक एक जन जानता है कि कांग्रेस ने केवल बंटवारे बांटो और रूल करो की राजनीति की, कभी समाज में सबको जोड़ने की बात नहीं की। आज जब कुर्सी इनकी छिन गई है तो इनकी व्यग्रता नजर आती है। अच्छा रुक जाइए, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास हरीश, ये बहुत सवाल, बड़ा सवाल है, जब आपके पास बहुमत नहीं है तो आप किस बात को लेकर के दावा ठोक रहे हैं सरकार बनाने का? इस सवाल का जवाब दीजिए आलोक जी। जो सबसे बड़ा दल होता है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, और सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते येदियुरप्पा जी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आपको गोवा में करना चाहिए था कि नहीं, कांग्रेस बड़ी दल है, मैं बड़ा दिल करके गोवा में कांग्रेस को कहता हूँ कि पहले सरकार बनाए, हार जाते हैं आप, क्यों नहीं? कांग्रेस क्या कर रही थी? आप धन बल, जन बल, धन बल के सहारे, एक बात धन बल के सहारे, मलेशिया के, मेरी बात पैसा मंगाया आपने,
आप साहब एक तरह से मलेशिया से आए हुए पैसे के माध्यम से आपने जो अभी कर्नाटक में चुनाव लड़ा है। अरुण जी अब आप सुनने रुक जाइए, मेरी एक बात सुनिए, रुक जाइए अरुण, ठीक है कांग्रेस ने किया। मैं चाहूंगा देखिए मेरी गुजारिश है सब लोग आराम आराम से सुने, क्योंकि लोग जो लाखों करोड़ दर्शक जो सुन रहे डिबेट। अरुण जी सवाल ये जो आपने जो गोवा का जो उदाहरण दिया था, जमाना 4G का है, आप लोग 2G की स्पीड से चलेंगे तो ये तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा आप लोगों को। इस सवाल का जवाब मैं रतन मणि जी सर से चाहूंगा। जी रतन जी, अगर आपको याद हो गोवा में क्या हुआ था, गोवा में नतीजा आने के बाद जो अगले कुछ घंटे होते हैं नतीजे आने के बाद, अगर नतीजा निर्णायक नहीं है तो अगले कुछ घंटों में ही जितनी संबंधित राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ता है कि उनका अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसी बात को मान लीजिए ना, इतनी कर्नाटक शायद आप लोग अगर दिखा लेते अपने आलोक जी इतना अगर विजन दिख जाता कांग्रेस का तो शायद ये स्थिति ना होती। बात पूरी करने दीजिए रतन जी को। बात कर रहा हूँ आपके गोवा के बारे में सवाल पूछा, मैं अरुण जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कम से कम गोवा की बात को पूरा बताने तो दीजिए। आप उस बात भी बताएं जहां भारतीय जनता पार्टी 2 MLA जीती है, उस प्रदेश में भी सरकार है। सर हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। अगर आप कहेंगे गुलाब जामुन में गुलाब कहाँ है तो भी उससे इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। कुछ चीजें समझी जा सकती है। जी जी चलिए ठीक है, माफ कीजिए, मैं समझता हूँ सवाल आप करेंगे जी, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल मैंने आपसे सवाल किया, आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही जिरह का विषय नहीं है जी, मुझे इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया जी। देखिए गोवा में जब सबसे बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस को अपना दावा पेश करना चाहिए था, उसके पहले ही अगर दूसरे दल ने अपना दावा पेश किया तो कांग्रेस को वहां पे जो रिएक्शन करना चाहिए था उसमें उसको देर हो गई थी। अब जैसे आपने कहा तो कोई दूसरी पार्टी तो नहीं कहेगी कि तुम लार्जेस्ट पार्टी हो भैया तुम पहले जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वही होना चाहिए जो कि संवैधानिक तौर पर सही है, यानी कि पहले एक पार्टी को मौका, वो पार्टी अगर निर्धारित एक या दो दिन का ये देखिए ठीक है चलिए। अच्छा डॉक्टर अजीज जी, डॉक्टर अजीज जी अपने ठीक है डॉक्टर अजीज जी आप लोगों की बात करें, हमने आपसे समर्थन के लिए वहां पर पूछा कि आपके देखिए गठबंधन वाले बैठे हैं वहां पर, आप लोग प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन हमने इस सवाल का भी मुझे जवाब नहीं मिला। बहन जी से डर लगता है मुझे, इस सवाल का भी जवाब नहीं मिला, लेकिन BSP ने देखिए वहां पर खाता खोल दिया है कहीं ना कहीं। अच्छी बात है और मुझे लग रहा खाता खोलना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है जी। क्योंकि राजनीतिक पार्टी है वो, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो नेशनल पार्टी है उसको खाता खोलने में कोई बुराई भी नहीं और खाता खुलेगा भी। सवाल इस बात का नहीं है, अभी देखिए हरीश जी एक सवाल कर रहे थे और वो बात मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं क्योंकि ये लोग मुझे मौका ही नहीं दे रहे आज बात करने। सर सर बिल्कुल मैंने आपको मौका दिया, मैं भी तो कोशिश रहती है मैं सबको बराबर से मौका दूं, लेकिन अरुण जी हैं देखिए इस वक्त जो है वहां पर सरकार बनाने के चक्कर में मुझे लग रहा है ये तिलमिलाए या बात सुनना नहीं चाह रहे। अब ये पाकिस्तान की बात कर रहे थे, मैं हरीश जी को ये बताऊं कि पाकिस्तान आपके प्रधानमंत्री यानी हम सबके प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान गए, रास्ते में लौटे साहब पाकिस्तान गए और वहां बिरयानी खाया, वहां गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, सलामी भी नहीं मिली, और उसके साथ साथ वहां से लौट करके आते हैं दोस्ती का नारा बजाते हैं। 31 दिसंबर को पठानकोट पे बहुत बड़ा हमला हो गया, तमाम हमारे नौजवान मारे गए, एक सर के बदले या 10 सर की बात कर रहे थे। सवाल इस बात का ये एक्सपोज हो गए, ये एक्सपोज हो गए, बड़ी बड़ी दावे करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। एक बात तो ये समझ लो आप, जो गवर्नमेंट बनाने की बात है आज के हालात देखिए, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से लेट लतीफी की बात की जा रही है, हम मैं आपको बताऊं KR नारायणन का उस एग्जाम्पल को भी देखें कि जो बड़ा गठबंधन हो भले अलग से रही हो लेकिन अगर उनका ज्वाइंट वेंचर में अगर उनका पत्र राज्यपाल को मिलता है तो राज्यपाल उनको बुलावे, ये कानून है। सवाल इस बात का है ये अगर उस कानून के मुताबिक अगर ये गठबंधन जा रहा है और अगर उसको बुलाया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्यों रोक रहा है? जाहिर सी बात है बीजेपी कह लेट लेते भी करा रही है, वो चाह रही है। अभी तमाम रूमर फैलाए जा रहे हैं कि साहब JDS के तमाम विधायक हम तोड़ रहे हैं, फलाने के विधायक तोड़ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक। सवाल इस बात का जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है और ये हमेशा हमेशा बीजेपी ने किया है, लोकतंत्र की हत्या की। गोवा का मामला अभी रतन बड़ी जी बोल रहे थे कि साहब टाइम होता फैक्टर होता, मैं आपको बताऊं क्या आप संविधान के खिलाफ चले जाएंगे? गोवा में आपने क्या किया, मणिपुर में आपने क्या किया, जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दिया और गवर्नमेंट इनका मकसद सिर्फ है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का एक छत्र राज हो, वो कैसे हो चाहे वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को बढ़ा करके हो, धार्मिक उन्माद पैदा करके हो, मार काट के हो, भाई को भाई से जुदा कर दिया जाए, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दिया जाए, यह इनकी रणनीति है। और यह रणनीति हम चाहे कहना चाहेंगे सभी राजनीतिक दलों को और उसके साथ
साथ हमारे इस अच्छा जी ये बताइए और भी जो देश की जो दूसरी इतनी बड़ी पार्टियां हैं वो भी तो लोगों के बीच ये संदेशा पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो बीजेपी कर रही है जी। हाँ इस सवाल का जवाब लेके चलिए। एक बात का मैं जवाब दे दूं, ठीक है, कि रूमर कौन फैला रहा है? रूमर तो आप फैला रहे हो। हम आप रूमर की बात तो आप कर रहे हो और ये यहाँ बैठ करके अगर आप लोग कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हो उसी का बयान तो आप कर रहे हो। कौन सा षड्यंत्र विपक्ष रच रहा है? षड्यंत्र तो आप कर रहे हो हरीश जी, हरीश जी षड्यंत्र तो आप कर रहे हो। आपके लोग कह रहे हैं कि 7 MLA कांग्रेस के टूट रहे हैं, 10 MLA इतिहास के पन्ने में अभी भी दर्ज है। नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने के लिए किस तरह से सांसदों गद्दारी से लेकर के अंग्रेजों से मिलकर के और आज तक तो एक आदमी आपका स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है। आप ये ना बताइए इस देश के इतिहास में, इस देश स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में कौन है कौन नहीं, स्वतंत्रता संग्राम बिहार में क्या किया जरा बता दीजिए। बिहार में जो नंगा नाच किया, लोकतंत्र की हत्या की आपने, बिहार में कांग्रेस की जमींदारी नहीं है? बिहार में क्या किया देश को? आपने कांग्रेस की जमींदारी नहीं है? बहुत बड़ी बात की सवाल इस बात का। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बिहार में जो आपने काम किया है इसको देश आपको माफ नहीं करेगा। कर रहे थे आप भी डिबेट में मेरे किसी भी सवाल का जवाब आए हुए मेहमानों ने नहीं दिया। सवाल यही है कि अब आज के जो परिणाम जो आए हैं कर्नाटक में, अब आगामी 4 राज्यों में इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैं आए हुए मेहमानों से इन सवालों का जवाब लूंगा। फिलहाल मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, फौरन हाजिर होता हूँ। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई और अब सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ की गणित बिठाई जा रही है। बीजेपी बहुमत के पास है लेकिन उसके पास पूरा बहुमत नहीं है और ऐसे में एकमात्र सहारा जेडीएस है। कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही, तो वहीं बीजेपी भी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। रतनमणि जी, कोशिश अब बीजेपी भी कर रही है, जेडीएस भी कर रही है कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन गेंद राज्यपाल के पाले में। लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बड़ी बात कहीं ना कहीं अब बीजेपी को लेकर के कहीं ना कहीं अब की कांग्रेस ने भी जल्दी से अब की 4G की स्पीड से चल करके पहले ही मुलाकात कर ली कहीं ना कहीं। देखिए, जो मैं इसके पहले भी बताने की कोशिश कर रहा था कि इसके पहले भी पिछले 2 सालों में जिस तरह के राज्यों के चुनाव में जहाँ पे नतीजे बहुत निर्णायक नहीं रहे थे, वहाँ पे समय को लेके और राज्यपाल के निर्णय के विवेक को लेके अक्सर सवाल उठते रहे हैं, राज्यपाल ने सही किया या नहीं, क्योंकि एक बार सरकार बनने के बाद सारे दावे फिर सदन के फ्लोर पे तय किए जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी गठबंधन पहले से भले ही ना रहा हो, लेकिन अगर दो दलों ने साथ साथ मिल के संख्या बल के आधार पर सरकार बनाने का दावा पेश किया है तो राज्यपाल के ऊपर ये भी एक संवैधानिक तौर पे बाध्यता है कि वो उसे उसका एग्जामिन करें और उन्हें न्योता दें कि वो सरकार बनाए, और बनाने के बाद उनको समय दिया जाएगा कि वो इतने निर्धारित समय में फ्लोर पे अपनी मेजॉरिटी प्रूव करें, क्योंकि ये एक पद्धति है जिसको हम पिछले कई राज्यों में देखते चले आ रहे हैं इतने सालों से। और मुझे लगता है कि इस काम में जहाँ तक हो सके बहुत समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि समय देने पर फिर हर तरह के अनैतिक जोड़ तोड़ तमाम सारे और आरोप भी लगने लगते हैं। तो जैसा इसके पहले हुआ है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि जो उसके पहले हुआ वो सही था या गलत था तमाम सारे राज्यों में, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो एक संवैधानिक और जहाँ तक जिस हद तक हो सके जो नैतिक तरीका है सरकार बनाने का वही फॉलो किया जाना चाहिए, भले ही उसमें कुछ समय लगे, लेकिन इस तरह के आरोप ना उठे इसकी कोशिश जरूर की जानी चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए, ये मैंने इसीलिए एक सवाल बहुत सारे लोगों को जानने और समझने के लिए भी और मुझे भी शायद खुद भी नहीं पता था, मैंने आपसे सर जाना। अब मैं हरीश जी के पास आ रहा हूँ। हरीश जी, अब कर्नाटक से जो ये डिबेट चली थी, अगर अब मैं यूपी के परिप्रेक्ष्य में आऊँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर गए थे कर्नाटक प्रचार के लिए, और त्रिपुरा भी गए, इससे पहले गुजरात भी गए, मिजोरम गए वहां पर भी, और उनको जीत भी हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं अब आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में बात करें तो अब वो उनकी जो इमेज है वो स्टार प्रचारक की हो गई है पूरी तरीके से। आलोक जी, देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और उसके मुखिया होने के नाते, इसके साथ साथ
लगातार वो 5-5 बार लोकसभा के सदस्य रहे और एक उनकी एक मठ के गोरक्ष पीठ के श्री महंत के नाते भी उनकी एक अलग पीठाधीश्वर के नाते एक उनकी अलग छवि है, एक अलग तरह का उनका अपना व्यक्तित्व है। उसके नाते उनकी लोगों में डिमांड रहती है और भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सभी जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार में विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं। जी अरुण जी, अगर राहुल गांधी की अगर बात करें तो बराबर अगर मोदी के पहले जिस तरीके से थोड़े दिन पहले उन्होंने जो बयान भी दिया कि हाँ मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता हूँ अगर मुझे मौका मिला, अगर मेरी तो सवाल ये कि लगातार जो पैरलर आने की कोशिश उसको भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा झटका जरूर लगा है। नहीं आलोक जी, जब सवाल रखें तो पूरी साफ गोई से सवाल आने चाहिए। सवाल देखिए आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबा दिया। नहीं आप खुद के जवाब दीजिए, आपके बात का ही जवाब ठीक बिल्कुल आप निष्पक्ष रूप से जवाब दीजिए, निवेदन करूंगा कि उसको अपना जवाब ले। जी जी बिल्कुल। देखिए तो आपने दबाया क्या राहुल गांधी जी से, जैसे आप जैसे ही उत्साही पत्रकारों ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री बनेंगे बनेंगे बने, कम से कम 7-8 लोगों ने पूछा, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई ये चुनाव कर्नाटक का हो रहा, मुख्यमंत्री यहाँ तय हो रहा, कहीं नहीं आप बता दें अगर, तो राहुल गांधी जी ने कहा अगर कांग्रेस पार्टी बहुमत में आएगी तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। देखिए ये बात कही राहुल, अब उसको मीडिया कहाँ ले जा करके कहाँ जोड़ तोड़ कर रही है एक अलग बात नहीं, है हमने वो तो तथ्य था कि भाई और क्यों हक है चुने हुए सांसद चुनते हैं नहीं बिल्कुल हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं उसमें आप क्यों आप क्या नहीं मान रहे नहीं हो सकते आप ये तो आप नहीं कह रहे हैं नहीं हम क्यों हमने हम तो सिर्फ तथ्य बता रहे हैं कि चुने हुए सांसद ही तो आखिर करते हैं हम तो सिर्फ तथ्य बता रहे हैं सर आप ही मान भाग ये है कि आप राहुल गांधी जी को पप्पू कह सकते हैं आप राहुल गांधी जी को गाली बक सकते हैं आपने खुद ही कहा आपने सुना आप राहुल देखिए प्रधानमंत्री जी कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी कुछ कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सर वो जो सोशल मीडिया पे चलता है मैं देखिए प्रधानमंत्री जी ने कह दिया अब सोशल मीडिया का अगर काम जिम्मेदार पत्रकार भी करेंगे और सोशल मीडिया का काम अगर जिम्मेदार प्रधानमंत्री भी करेगा तो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। देखिए मेरा एक निवेदन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रभक्ति कुत्तों से सीखनी चाहिए और कुत्ते तो हमें तो नहीं लगा नहीं कुत्ते वफादार होते हैं, अगर वफादारी सीखनी थी तो कल तक आदरणीय आडवाणी जी के साथ तो वफादारी भी नहीं सीख पाए नरेंद्र मोदी जी अपने गुरु के साथ जिस गुरु ने उन्हें बचाया था जब राष्ट्र धर्म का प्रश्न खड़ा किया था भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो ये राष्ट्र धर्म जो शिक्षा दी थी उसको बचाने अपने गुरु के साथ जो वफादार ना रहा हो उस जानवर से वफादारी भी ना सीखी हो, दुर्भाग्य है इस देश का कि हमें ऐसे ऐसे लोगों की तमाम चीजें और तमाम लेकिन सुननी पड़ रही। जो अध्यक्ष बनने के बाद जो लगातार उनके जो टेस्ट की बात की जा रही थी उसमें तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली कहीं ना कहीं बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली। हमने गुजरात में एकदम दांत खट्टे कर दिए नरेंद्र मोदी जी के, नरेंद्र मोदी जी अगर विकास के सहारे चुनाव लड़ते तो हम उनको सैकड़ों मील पीछे छोड़ते, और हमने कर्नाटक के अंदर आपसे बताया एंटी इनकम्बेंसी होते हुए हमने कर्नाटक के अंदर 3 साल से लगातार सूखा पड़ते हुए लेकिन यहां भी और पूरा धन बल सारे बलों का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी मलेशिया और तमाम अडानी अंबानी और नीरव मोदी के पैसे के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं उन तमाम पैसों के सहारे आज देखिए कि वोट के परसेंटेज में हम आगे हैं, वोट के परसेंटेज में आगे हैं और दांत खट्टे किए हैं और इस तरीके के खट्टे कर दिए हैं कि बीजेपी को तिलमिलाहट हो रही है, मिर्ची लगी है आंखों में, आंसू नहीं आंसू आ रहे हैं और पेट में दर्द हो रहा है कि ये जो जेडीएस और कांग्रेस जो है ये नई रणनीति के तहत हमें एकदम झटका। चलिए फिलहाल रतन जी अब कितने राज्यों में बची लगभग कांग्रेस इस समय? पंजाब और पांडिचेरी में इनकी अपनी सरकार है। तो मिर्च किसको लग रही होगी ज्यादा? और देखिए मैं एक बात यहाँ और स्पष्ट करना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के शुरू से ही इस प्रकार के कोई भी इंडिकेशन कांग्रेस या जेडीएस ने नहीं दिए थे कि वो एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, बल्कि पूरे प्रचार के दौरान ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तमाम सारी बातें कर रहे थे जो कि चुनाव प्रचार का मेरे ख्याल से एक साधारण हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर सुनेंगे अरुण जी सुन लेंगे देखिए ठीक है अरुण जी ठीक है अरुण जी सुनेंगे पहले रतन जी को पूरी बात सुनेंगे। मैं जो कह रहा हूँ आप शायद अरुण जी उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पाते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, मैंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस इस पूरे प्रचार के दौरान एक दूसरे से किसी प्रकार की सहमति दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि कई इंटरव्यूज़ में तो देवेगौड़ा जी ने कांग्रेस के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया था मैं समझता हूँ उनको दोहराना भी यहाँ ज़रूरी नहीं है।
इसी प्रकार कांग्रेस की ओर से जेडीएस के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया कि वो किस पार्टी की बी टीम है, आपको भी याद होना चाहिए कि किसने किसको किसकी बी टीम कहा था, ठीक है ना। और उसके बाद यदि ये दो पार्टियां एक साथ आती हैं तो फिर वही कौन सी, नहीं बाप बेटे की बात कर रहे हैं क्या, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं क्या जी, शमशान और कब्रिस्तान भी याद है जी जी, ठीक है। लगता है कि अगर उसके बाद भी ये दोनों पार्टियां एक साथ आती हैं तो ये अच्छा है, दोनों पार्टियों का ये बिल्कुल संवैधानिक और नैतिक और राजनीतिक अधिकार है कि वो एक पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक गठबंधन करें और सरकार बनाएं। खुशी की बात है कि जो एक लोकतांत्रिक तरीका है, जो इलेक्शन के बाद जिस तरह के रिजल्ट थ्रो अप हुए हैं उसके चलते अगर इस तरह की दोनों पार्टियों के साथ आने के बाद सरकार बनती है तो इसे ये भी मान के चलना चाहिए कि ये दोनों पार्टियाँ कम से कम प्रदेश को एक स्थायी सरकार दे पाएंगे और जिस तरह के वादे दोनों पार्टियों ने अलग अलग घोषणा पत्रों में किए थे वे उसे पूरा। अब मैं अरुण जी के पास अभी आऊंगा लेकिन मैं पहले जरा अजीज जी के पास आता हूं। अजीज जी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का फायदा जेडीएस को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं कांग्रेस को लेकर के तो कांग्रेस की इसमें कितनी बड़ी भूमिका है इस पूरे सिनेरियो में, आप कैसे देखते हैं? देखिए एक बात आप समझिए, कांग्रेस क्या है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है और इसकी जो भूमिका है मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी है। जेडीएस कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय पार्टी है, छोटे स्तर की पार्टी है, और अगर कांग्रेस बड़ा दिल दिखा करके अगर वो जेडीएस को समर्थन दे रही है और उसके मुख्यमंत्री को घोषित कर रही है तो ये कांग्रेस का बड़प्पन है और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, ये बहुत अच्छा काम किया। मजबूरी भी तो हो सकती है और कोई मजबूरी नहीं है, और कोई और ऑप्शन है क्या? और ऑप्शन क्या है? सवाल इसमें क्या मजबूरी, इसमें मजबूरी का कोई इशू नहीं था। सवाल इस बात का है कि एक पार्टी जो बिल्कुल धार्मिक आप समझिए माहौल को क्रिएट कर रही है, सांप्रदायिकता को पूरी तरह से बढ़ावा दे रही है, आप समझिए कि पूरे देश में मारकाट का माहौल पैदा कर रही है, मुर्दा तस्वीर पर राजनीति कर रही हो, ऐसी पार्टी को रोकना हर वो शख्स जो धर्मनिरपेक्ष है और जो इंसानियत की बात करता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी पार्टी को रोक करके जो सेकुलर लोग हैं वो सेकुलर लोगों को प्रमोट करें। और जो कि ये कांग्रेस कर रही है मुझे लग रहा है इनको बधाई देना चाहिए सभी लोगों को, देश के सभी लोग। चलिए ये तो मैं हरीश जी से पूछूंगा क्या जो कांग्रेस कर रही है वाकई में क्या कांग्रेस बधाई की पात्र है? हरीश जी अगर ऐसा कर रही तो आपको भी लगता है तो फिर आपको इस लाइव शो में बधाई भी देनी चाहिए फिर तो? नहीं, अगर कांग्रेस को हारने की बधाई दी जाए तो मुझे लगता है फिर तो कांग्रेस कहेगी कि हमारे ऊपर छींटाकशी कर रहे हैं, कांग्रेस तो हारी है तो बधाई किस बात की। और जो जो नहीं वोट प्रतिशत तो बढ़ा है उसका इसकी बधाई दीजिए ना, वोट बधाई दीजिए खुले दिल से दीजिए। अरुण जी देखिए स्वीकार भी करेंगे। हाँ देखिए जो असलियत है जो उसको तो कांग्रेस स्वीकार करे जी, असलियत यह है कांग्रेस हारी है और सारी व्यग्रता और जो तिलमिलाहट जो है वो कांग्रेस के अंदर रही क्योंकि इनकी कुर्सी गई, एक स्टेट इनका गया। ये जो कांग्रेस की जो फितरत है, कांग्रेस तो किसी तरह अपने लाज को बचाने के लिए कुमारस्वामी को उसने चीफ मिनिस्टर के रूप में वो किया। ये कांग्रेस की ये जो स्वाभाविक कांग्रेस ने तो अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकसभा के सांसदों को खरीदा, आज तक रिकॉर्ड में नरसिम्हा राव के कार्यकाल में वो कांग्रेस बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करती है तो वो बातें किसी से छुपी नहीं है। और लगातार मिसेज गांधी का कार्यकाल रहा हो या इन सब कार्यकाल इस बात के गवाह हैं किस तरह से इस देश में षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति आप फंसते करती रही। आप वापस लिया मुकदमा आपने सुप्रीम कोर्ट में जो तरीके से आंडवाणी चलिए हम पीछे के नहीं बल्कि अब हम देखेंगे अब 2019 के परिपेक्ष में दो रुपए आए कहां से, सर रुपए लाए कहां गए सर, ये सारा का सारा खेल में जो बीजेपी शामिल थी वो बेनकाब हुई है देश के सामने। देखिए आप अपने चरित्र। चलिए अब सवाल ये कि अब आज आए इन परिणामों के बाद अगर उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में देखें बात करें बीजेपी को लेकर के तो सवाल ये कि अभी चार राज्यों में चुनाव है चाहे वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान, ये सवाल हाँ चलिए इसे जल्दी से बताइए जी। मेरा कोई सवाल नहीं है जी जी। देखिए हम और जेडीएस ये कहीं ना कहीं विचारधारा में काफी करीब हैं,
कभी भी कांग्रेस ने इस देश में भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनसंघ हो, हिंदू महासभा हो, इसके साथ मिलकर के कभी ना सरकार बनाई है और ना इसके समर्थन में गए हैं। देखिए जेडीएस के हमारे विचारधारा में सेकुलरिज्म के तहत खड़ा है, इसलिए हमें अपने विचारधारा के जो मतदाताओं का निर्णय था उसको हमने सिरोधार किया। अच्छा रतन जी, जिसे ये विचारधारा कह रहे हैं अगर उसे मजबूरी कहा जाए तो नहीं नहीं ठीक है, रतन जी से सवाल का जवाब ले लेंगे, यही तो ऑप्शन है अब उनके पास। कर्नाटक में अभी तक एक पार्टी की सरकार थी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, और इस समय जो रिजल्ट आया है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड है। किसी एक पार्टी को वहाँ के मतदाताओं ने पूरा सहयोग और समर्थन और नतीजा नहीं दिया है, ये बात तो सच है। इसको मानने में मैं समझता हूँ किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि तीनों पार्टियों में किसी के पास भी अपने दम पे सरकार बनाने की क्षमता नहीं है। तो ऐसे में कोई भी दो पार्टियां जब तक नहीं जुड़ेंगी तब तक सरकार नहीं बन सकती, इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए ये मानने में। देखिए मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई भी दो पार्टी जब तक नहीं मिलेंगी सरकार नहीं बन सकती, उसमें कौन कम्युनल है कौन नॉन कम्युनल है ये जस्टिफाई करने वाला मैं कोई नहीं होता। मुझे लगता है सवाल का जवाब अजीज जी से मैं ले लूं, जरा अजीज जी बहुत होमवर्क भी कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने काफी सवाल भी बना रखे हैं। जी देखिए आलोक जी, ऐसा है मैं आपको बताऊं, ये बात जो अभी बात बताई गई कि बीजेपी को नकारा, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े दावे थे, विकास का दावा था, बेरोजगारी का दावा था कि मैं खत्म कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, आप समझिए 15-15 लाख रुपए दूंगा, आज जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि कर्नाटक में बड़ी बहुमत आएगी, 140 सीटें हमारी आएगी, आज ये 104 पर सिमट गए। इससे ये पता चलता है कि कम्युनल फोर्सेस को, इनके विकास के दावे को, और 2 करोड़ हर साल जो नौकरी देने का वादा किया था, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से वहां की जनता ने नकार दिया। हरीश जी, ये मैसेज जनता तक क्यों नहीं जा पा रहा, जो आप लोग जिन विकास कार्यों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जनता जानना चाह रही है आखिर ऐसा क्या है जो लोगों के बीच संदेशा नहीं जा पा रहा, और विपक्ष को भी इस सवाल का जवाब चाहिए आज इस लाइव डिबेट में। नहीं आलोक जी, जनता तक ये संदेश गया तभी भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 104 सीटें उसने दी। ये दोनों दल भारतीय जनता पार्टी से काफी पीछे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो क्या आपको इतनी उम्मीद थी, आपकी सरकार ने इतना भी काम नहीं करा था कि आप ये उम्मीद पहले से लगाए बैठे थे अरुण जी? ये तो आप अपने अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमको तो ये तो अरुण जी को लगता बड़ा झटका लग गया कि ये तो अगर कांग्रेस अपने अंतर में जाके तो कांग्रेस को झटका है, निश्चित रूप से कांग्रेस को झटका है जी। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले समय के सापेक्ष अगर आप देखें तो बहुत बड़ी बढ़त दी है, बहुत मजबूती दी है। ठीक है, ठीक है, आप रेड्डी बंधुओं के चरण में पड़ गए। एक फाइनल कमेंट बस जल्दी से, आखिरकार फिर किस तरीके की बात आ रही है? सिद्धरमैया को 10% के नाम से जाना जाता था, 10% आप किसके नाम रखते? 10% नाम से जाना जाता था। तो आप लोगों ने भी तो लिंगायत समुदाय को लेकर के कैश कराने की कोशिश की थी अरुण जी, अपना तो आप लोग बहुत साफगोई से निकल जाते हैं। जेल गए, मुकदमा चल रहा है, आखिरकार आप कानून को भी अगर नहीं मानेंगे? सिद्धरमैया 10% के नाम से, 10% के नाम जवाब मसूर है। आप की सीबीआई है, सीआईडी है, आपके सीतारमैया जी को जेल ले जा सकते थे। आपके मत करिए, किसी के आपके या किसी के, वो देश के हो सकते हैं प्रधानमंत्री। ये बार बार जो विपक्षी दल बार बार ये बात कहते हैं ना कि आपके प्रधानमंत्री, अरे वो आपके नहीं है, देश ने चुना है, देश के प्रधानमंत्री है। आज मीडिया भारत का नक्शा दिखा के ये कह रहा है कि साहब 70% जगहों पे आबादी पे कब्जा कर लिया जी। अब आखिरकार उस आबादी के लोगों ने रिजेक्ट किया है, अगर उस आबादी के वोटर्स को जो आप नहीं मानेंगे, असलियत तो मानिए कम से कम। आप लोग ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। जी अगर आप घोर अंधेरी रात को कह रहे हैं कि सूरज निकल गया है, आप कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मीडिया ये आप ये सब सियासी में हार रही है, सब सियासी दलों का ये रहता है कि पहले बात को फिर कौन मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ये आप लोगों की परिणति बन गई है। साथ ही मेले टूट रहे कांग्रेस के, आखिर कहां से इल्हाम हो रहा मीडिया को? जी आखिरकार कहां से इल्हाम हो रहा मीडिया को? वो तो आप लोगों क्या रहता है अंदर खाने से जो भी खबर चल रही है, कौन सा यहाँ पे स्वीकार करेंगे कि आप लोगों में अंदर खाने से क्या चल रहा है? हरीश ऐसे वातावरण का सृजन कर रहे हैं जी, भारतीय जनता पार्टी ऐसे वातावरण का सृजन कर रही है। ये हरीश रावत साहब भी ऐसे ही कर रहे थे जब उत्तराखंड में, जब ये मामला, वो बिल्कुल बेबाक अपने को बता रहे थे जब यूट्यूब पे जब वायरल हुई वीडियो उनकी, ये आप लोगों की सियासत, आलोक की ये सब चाले। चलिए
ठीक है, आप लोग ऐसा ही बोलेंगे, आप लोग ऐसा ही बोलेंगे। जनता तो जनार्दन होती है, जनता देख रही है। चलिए मैं एक फाइनल कमेंट बस आज की इस डिबेट का रतनमणि सर से, सर इस पूरे मामले में कांग्रेस जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी भी सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई का फायदा नहीं लगता कि जेडीएस को मिलता नजर आ रहा है। सर देखिए, तीन बातें मैं बहुत जल्दी से कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि जो पिछली विधानसभा थी कर्नाटक की, उसमें जो भी संख्या थी सभी दलों की, उसके हिसाब से बीजेपी की संख्या बढ़ी है, कांग्रेस की संख्या घटी है और जेडीएस की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ के लोगों ने जो मतदान किया है वो तीनों पार्टियों को अपने अपने विवेक से उन्होंने समर्थन दिया है, और ऐसे में अगर कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सरकार बना रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे उन दोनों पार्टियों के अपने हित में होगा, और मैं समझता हूँ कि सरकार बन जाती है तो प्रदेश के भी हित में होगा कि एक सरकार वहाँ पे चले और जिस तरह के वादे और वो हैं, कोई भी सरकार आए लेकिन एक स्वस्थ सरकार आए और जनता के हितों की बात करें। आप सब आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हरीश जी आपका भी, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अजीज खान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रतनमणि सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बड़ी बहस में इतना ही, आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ। नमस्कार।